तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MRJ टच चैनल। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कैंसिल कैसे करें। तो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आप लोग को सिंपली अपने मोबाइल पे चले जाना। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आप लोग को इधर साइड में मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा। हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आज हम जानेंगे कि ऑर्डर किए हुए सामान को कैंसिल कैसे करें। तो कैंसिल करने के लिए आप तीन लाइन पे कॉर्नर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को माय ऑर्डर पे चले जाना है। माय ऑर्डर पे जाने के बाद आप लोग को जो भी आप लोग सामान ऑर्डर किए होंगे वो आप लोग को सामान आ जाएगा। मैंने एक EMI से माइक ऑर्डर किया था जो 14 तारीख को किया था, तो इसलिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को एक रीज़न देना पड़ेगा कि आप लोग इसे किस वजह से कैंसिल कर रहे हैं। तो आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं, नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो। और उसके बाद एक चॉइस करने के बाद आप लोग को एक छोटा सा मैसेज करना पड़ेगा। तो रीज़न सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को नीचे एक मैसेज का दिया हुआ होगा, उस पर टाइप करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I am sorry। तो इस पर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ऑर्डर कैंसिल पे चले जाना। ऑर्डर कैंसिल कर यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्डर कैंसिल कैसे किया जाता है। तो जाइए आप लोग ऑर्डर कैंसिल कर लीजिए। आप लोग वीडियो समझ गए होंगे।